मुल्तान ब्यूरोक्रेसी की आलीशान रिहायश गाहें कितने रकबे पर और कहां हैं? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने सरकार रिहायश गाहों की तफसीलात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की 22 कनाल पर आलीशान रिहायश गाह, सिटी पुलिस अफसर की 20 और कमिश्नर मुल्तान का 17 कनाल पर घर बाकी है। नैब मुल्तान में मेट्रो बस करप्शन केस में मुलव्वज़ 6 मुल्ज़िमान एहतसाब अदालत पेश। चीफ इंजीनियर एमटीएस साबिर खान सदुजोई समेत एक्सएन अमानत अली, एक्सएन रियाज हुसैन, एसडीओ मंजूर अहमद, एसडीओ राना वसीम और मुनीर सईद शामिल। मुल्ज़िमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहर औलिया के रखवाले खुद भेगर, थानों की अपग्रेडेशन के दावे हुए ढेर। 50% थाने जाती इमारत से महरूम। थाना न्यू मुल्तान, गुलगश, लोहारी गेट, शीतलमाड़ी समेत 16 थानों की अपनी जाती इमारत ही नहीं। तहरीक इंसाफ विमेन विंग मुल्तान की सदर कुर्बान फातिमा के घर डकैती की वारदात। चोर 5 लाख मालियत का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। मैपको अमला की फ्राइज में गफलत हरगिज बर्दाश्त न होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको इंजीनियर मोहम्मद अकरम चौधरी की सरबराही में इजलास में बड़े फैसले। जायद यूनिट का इल्जाम साबित होने पर एसडीओ को मुलाजमत से बर्खास्त करने का ऐलान। ओवर बिलिंग की शिकायत किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। गफलत बरतने पर 5 एसडीओ भी मुअत्तल। शहर औलिया की नौमौलूद फीचर बस सर्विस को खतरा लाहक। तहरीके सदर हक का फीजर बसीस और तजावजात के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन अब्दुल हमीद का हुकूमत से तजावजात के खात्मे का मुतालबा। मुतालबात न मानने पर एहतजाज का दायरे कार वसीह करने का ऐलान। तहसील तौंसा और कवाली इलाकों में नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने, पुराने अपग्रेड करने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के मुतलका अमूर 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावरपुर में पुलिस की मुदाखलत पर वाईटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पुलिस जाली एमएससीज बनाने के लिए डॉक्टर्स पर दबाव डाल रही है। महकमा सेहत को नोटिस लेने की दरख्वास्त। उधर डीपीओ बहावरपुर डॉक्टर इकबाल खान कहते हैं डॉक्टर्स पर कभी दबाव नहीं डाला गया। बहावलपुर में गुज़श्ता रोज डकैती के दौरान कत्ल होने वाले मेडिकल स्टोर मालिक की नमाज जनाजा अदा। मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए कैमिस्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार न करने पर शहर भर के मेडिकल स्टोर्स बंद करने का ऐलान। आवाम की सेहत और बेहतर इलाज के लिए निश्चर हॉस्पिटल इंतजामे की काविशें जारी। इमरजेंसी वार्ड में सीनियर रजिस्ट्रार की मौजूदगी लाजमी करार। वाइस चांसलर निश्चर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के तमाम सीनियर रजिस्ट्रार्स को हिदायत जारी। जहर आलूद सब्जियों की काश्त बारे रोही पर खबरें नशर हुई तो इंतजामिया को भी होश आ गया। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली की कार्रवाई, 7 एकड़ पर काश्त की गई मुजरे सेहत सब्जियां तल्फ कर दी। साबिक वजीर आजम पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आजम ने गैर मुल्की फंडिंग से SDG प्रोग्राम पर रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 9 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की लोकल परचेज में खामियां। साबिका हुकूमत की परचेज पॉलिसी गैर तसल्ली बख्श करार। खामियां दूर करने के लिए नजरसानी कमेटी कायम। चीफ एग्जीक्यूटिव मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम की सरबराही में कमेटी कायम। निश्चर अस्पताल के एमएसबी टीम में शामिल। टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के अमले की मुबैना गफलत। राजनपुर की खातून ने बच्चे को ट्रॉमा सेंटर के बाहर मुर्दा हालत में जन्म दिया। बाद हजार मरीजा को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। इंतजामिया के कहना है कि लवाहिकीन खुद मरीजा को डिस्चार्ज करा के ले गए थे। मेलसी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बड़े पैमाने पर घपले का इंकशाफ। रिकॉर्ड पेश न करने पर डिप्टी कमिश्नर ने 8 पटवारियों और 2 कानून गो के तबादले कर दिए।
मुहर्रम उल हराम का आगाज होते ही फजा सोगवार इमाम बारगाह कसर वसूल मियांवाली में मजलिस अज़ा इलामा अस्करी मकसदी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। उधर बहावरपुर में तीन मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस आस्ताना फजल शाह मोहल्ला आम खास से बरामद। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना मोहम्मद अली शाह पर इख्तिताम पसीर हुआ। अमन अमान की सूरत हाल को मुहर्रम उल हराम में बरकरार रखना है। बहावलपुर में एसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम खान न्याजी की जेर निगरानी फ्लैग मार्च। मुल्तान में बज्म मेहदी असलाहे अंजुमनी के जेर एहतमाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाक का एहतमाम। मुरीद हुसैन कुरैशी सैयद जोहेब हक निगरानी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रहीम जा खान में असिस्टेंट कमिश्नर हिरा रिजवान से शिया उलमाई काउंसिल के वफ की मुलाकात। एसडीपीओ सखी सरवर बशीर अवान का मुहर्रम के हवाले से दरबार सखी सरवर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर शाह मीर इकबाल की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजाम अमूर का जायजा इजलास। बहावल नगर भक्कर और सादिकाबाद में भी आशूरा के इंतजाम जारी। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान अली अकबर भट्टी का तहसील कोर्ट छुट्टा का दौरा। मुहर्रम जुलूस रूट स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स एडीएलआर सेंटर और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। राजनपुर के कबायली इलाके में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की दो बड़ी कामयाबी। केपीके और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मकवी ट्रक ड्राइवर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर अहमद का दौरा मुल्तान। रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहते हैं कि मुल्तान के दौरा सीपैक प्रोजेक्ट किसी सियासी जमात का नहीं है, ये मंसूबा पूरी पाकिस्तानी कौम का मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी तौर पर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब बख्शी जाहिर पीर अहमद अमायदीन इलामा से मुलाकात में इलाकई मसाइल पर तबादला ख्याल। कहते हैं अगले माह बजट पेश कर रहे हैं, कलमदान संभालते ही बजट तैयार करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक की अंजुमन ताजरान सखी सरवर से मुलाकात। सदर मलिक कैसर अब्बास ने ताजरों के मसाइल से आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनूबी पंजाब सूबा तहरीक का नया रुख देने का फैसला। सदर बार मलिक महबूब संधेला का जनूबी पंजाब की तमाम बार्स को इसके हवाले से मुसान मधु करने का फैसला। डैम फंड में हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हिस्सा डालने लगा। कहरोड़ पक्का में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने डैम फंड के लिए 1,09,124 रुपए पंजाब बैंक में जमा करा दिए। महसूम मोसू शमन में 12 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मौके पर न पहुंचने की वजह से इलाका मकीन शराब पर एहतजाज। मुजाहरीन का कहना है कि मुलजिमान अपने दो शनाख्ती कार्ड असलहा लाइसेंस और प्रेस भी घबराहट में छोड़कर फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल फैसल मुख्तार की खुली कचहरी। डीपीओ ने जिले भर से आए तालीम की दरखास्तों की समाप्त की। दरखास्तों पर कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी किए। महकमे सेहत का ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूट्रिशन वीक मनाने का फैसला। ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूट्रिशन वीक 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम की जानिब से तमाम सीईओ हेल्थ को मरासला जारी कर दिया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से ट्रैक्टर्स में जदीद टेक्नोलॉजी सर्विस डिवाइस मुतारिफ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इजलास। महकमा ज़राअत के अफसरान समेत किसानों की शिरकत। कानपुर जिना हॉल बल्दिया में तिरबेती नशिस्त के हवाले से मीटिंग। डीएसपी जावेद जतोई मुफ्ती मसर मुख्तार दौरानी की शिरकत। पुलिस एहलकारों को आवाम के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने की तलकीन। और एलपीपी की जानिब से साफ और सरसब्ज लोधरा मुहिम का बाकायदा आगाज। लोधरा में एलएमएस लीग का अफ्तिताह। अली तरीन की खसूसी शिरकत। अली तरीन का कहना था कि लोधरा और दीगर अजला में क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। एलएमएस क्रिकेट लीग को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहता हूं। बोले कोशिश है कि जनूबी पंजाब के टैलेंट को कौमी सतह तक लेकर जाऊं।